हाय एवरीवन, मैं हूं रविंद्रनाथ। आप सभी को आर एंड आर्ट क्लासेस पर स्वागत है। तो आज देखेंगे लेसन 13 का टॉपिक है जो एक रोस्टर को हम लोग कैसे इजीली ड्रा कर सकते। तो चलिए दोस्तों, उसी रोस्टर को लेके आज हम लोग कैसे इजीली ड्रा कर सकते हैं देखेंगे उस वीडियो पर। और जो जो मेरे चैनल पर जितने सारे वीडियो अपलोड हो रहा है, आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग का उतना इम्प्रूवमेंट बढ़ता जाएगा। लेसन 13 का है रोस्टर। एक कैसे इजी तरीके से हम लोग रोस्टर को ड्रॉ करना है, तो चलिए देखिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि छोटा सा एक ओवल लेना है। ओके, छोटा सा ओवल। देन अभी क्या करना है, बड़ा ओवल लेना है। ओके, तो उस ओवल को क्या करना है, वहाँ से जॉइंट लगाना है हम लोग। देखो अभी तुम लोग का 30% कंप्लीट हो गया रोस्टर है कि नहीं। देखो अभी कुछ नहीं है, ऐसे ही कुछ हम लोग आउटलाइन को कंप्लीट किए हैं। अभी हुआ कि नहीं रोस्टर 30% कंप्लीट। तो चलिए उसको आउटलाइन दे के कैसे कंप्लीट करना है। ओके, तो देखते हैं आउटलाइन कैसे होता है। अभी देखो तुम लोग का कैसे इजीली मैंने आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो अभी हम लोग क्या करना है कि आउटलाइन अच्छा से कंप्लीट करना है। तो एक एक आउटलाइन कंप्लीट करेंगे हम लोग अभी। देखो मैंने कहाँ पे भी इरेजर नहीं यूज किया, आप लोग भी विथआउट इरेजर में यूज करना है। ओके, चाहे हमारा ड्राइंग अच्छा बने या ना बने कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं वही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग विथआउट ड्राइंग में ड्रॉ करना है, विथआउट इरेजर में। सॉरी, ओके, तो एक एक करके हम लोग उसको देखो, उनका जो नाखून है थोड़ा थोड़ा निकलना है। हाँ, ओके, उसके बाद हम लोग अभी
ओके गाइस, अभी मैं शेड करता हूँ, कैसे शेड लगाता हूँ आप लोग देखो। ठीक है, देखो कैसे सेट लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करके सेट लगाना है। ओके, अभी शेड होने के बाद हम लोग क्या करना है, उस शेड को मौज करना है। ओके, तो अभी शेड होने के बाद हम लोग क्या करना है, उसी शेड को थोड़ा थोड़ा मौज करना है। ओके, अभी जो हम लोग फाइनली क्या करना है कि हमारा जो रोस्टर को पूरा क्लियर आउटलाइन और जहाँ पे थोड़ा थोड़ा डार्क शेड होगा दे के उसका लुक और थोड़ा अच्छा करना है अभी। ओके, तो कैसे उसका लुक अच्छा होगा देखो। देखो देखो, जहाँ पे मैं डार्क है उसी एरिया को मैं ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ। ओके, जो जो एरिया डार्क है ओके उसी एरिया पर मैंने लेयर वाइज काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्रॉस स्ट्रेट हैचिंग ओके, आप भी चाहे तो जो भी हैच दे सकते हैं। अभी हम लोग हमारा जो ड्राइंग है 90% क्लियर कर लिया है।
तो गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना है, ठीक है। आप लोग का एक एक कमेंट मेरे को मोटिवेशन करेगा कि मैं और ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए लेके आ सकता हूँ। ओके।